फ्रेंड्स अभी देखते हैं मॉडर्न डिफेंस का एक और मैच। स्टार्ट किया है अपोनेंट ने d4 से, मैच चला g6, e4, बिशॉप g7, c4, देन c6, nc3 एंड d6, nf3, queen2, b6। तो ये स्ट्रक्चर बना है और देखते हैं आगे ओपोनेंट क्या चलते हैं। बिशॉप, नाइट मूवमेंट एंड देन कैसल, आई विल आल्सो कैसल। देखिए इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्वीन को पहले निकाल कर अटैक बनाया जाए, इसलिए यूजुअली क्वीन रिकमेंडेड नहीं होता है अर्ली गेम में निकालना। मेरा प्लान है बिशप को नाइट के पास रखना g4 में, वेट कर रहा हूँ ओपोनेंट के। रुक को भी मैं e8 पर रखने का सोचा हूँ ताकि ये क्लियर फाइल मिले जब ये फाइल ओपन हो। वो पॉन किए, मैंने पॉन एक्सचेंज करना ठीक समझा, पॉन इज एक्सचेंज्ड। अभी नाइट को थ्रेट है, मैं नाइट को g4 पे ले जाऊंगा। उन्होंने नाइट को थ्रेट दिया, मैं नाइट से पॉन को ले लूंगा और यहाँ पर मुझे एक पॉन का एडवांटेज है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी मेरे ओपोनेंट की क्या स्ट्रेटजी थी वो मुझे देखना है। अभी ये मिडिल टू फाइल्स ओपन हो रहा है, नाइट टू नाइट एक्सचेंज, बिशप टू नाइट। देखिए जब फाइल ओपन हो जाता है तो आपके पास मूव चलने का अच्छा ऑप्शन बनता है और आप गेम को एक अच्छा अटैक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों के पास ये ऑप्शन है मिडिल में आकर अटैक करने का। बहुत अच्छी चाल थी कि मेरे ओपोनेंट की, उन्होंने बिशॉप रखा। अब यूजुअली गेम में क्या करते हैं लोग, बिशॉप को g7 में ले जाकर प्रोटेक्ट करते हैं रुक को और अपना किंग के आगे का जो स्पेस है उसको भी गार्ड करते हैं। और अभी मैं उस यूजुअल मूव से अलग चला ये रुक, क्योंकि मैं कुछ अलग प्लान कर रहा था। मिडिल फाइल ओपन है तो कुछ एक्सपेरिमेंट में मैं आया और मैं सोचा कि वो अटैक को देखते हुए मैं उनसे पहले कुछ अटैक बना लूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इधर आया। रुक चला, मैंने नाइट चला, उन्होंने शायद पॉन को आगे करने का सोचा है, वो पिन था इसलिए शायद अपने किंग को मूव कर लिया। मैं नाइट से कुछ गार्ड करने का सोच रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा मौका है यहाँ पर, अगर पॉन चलते हैं तो नाइट से फॉर्क करने का स्पेस बन रहा है जिसको मैं यूज करना चाहूंगा आगे 2 या 3 मूव में। नाइट भी मैं ले सकता हूं, उनका पॉन स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्टॉर्ट करेगा ये। देखना है मैं पहले नाइट चल रहा हूँ या पहले एक्सचेंज कर लूँ। मैं पहले नाइट चला क्योंकि मुझे लगा कि जो फॉर्क है उसको यूज़ करना चाहिए और अब मुझे वो स्पेस और भी अच्छा मिला। मैं नाइट से किंग रूक या रूक क्वीन को फॉर्क करने का सोच रहा हूँ अब अगले 2 मूव में, लेकिन पहले मुझे ये बचाना है।
बिशप को, इसलिए बिशप को मैं नाइट से एक्सचेंज कर लिया। मैं इसलिए किया क्योंकि फोर्क बन रहा था और डुअल फोर्क का स्पेस था, मैं समझा मैं इसको यूज़ में ले पाऊंगा। अभी क्वीन को बचाना है, रोक से सीधा अटैक है क्वीन पे, और इसके बाद मैं नाइट को चलने का सोचूंगा। अगर मेरे अपोनेंट ने वो देख लिया है तो वो ज़रूर डिफेंड करेंगे, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है नाइट का फोर्क व्हेन इट कम्स टू रूक किंग एंड क्वीन। इसलिए अगर वो इधर फोर्क को बचा लेते हैं तो एटलीस्ट मुझे एक पॉन मिल जाए, इसलिए मैं क्वीन को ए फाइल पे रखा हूँ। अगला मूव यही है कि नाइट को चलना है, अगर वो डिफेंड करते हैं तब ये रुक जाएगा मूव, अदरवाइज नाइट को चलना है आगे। अब देखना है कि ये क्या चलते हैं। उन्होंने डिफेंड कर लिया फोर्क को, तो अब मैं फोर्क कभी इमीडिएट नाइट से नहीं दे पाऊंगा। मैं पॉन को लेना ठीक समझ रहा हूँ इस वक्त। चेकमेट का चांस अभी नहीं है क्योंकि जो मेरा पॉन है वो नाइट को डिफेंड कर रहा है, और उतना देर में मैं पॉन को एक्सचेंज करके, या पॉन, आई विल टेक द पॉन एंड आई विल कम बैक टू दिस प्लेस। अभी उन्होंने क्वीन को थ्रेट दिया, लेकिन उनका जो बिशॉप है वो लेफ्ट बिहाइंड अलोन, सो मैं बिशॉप को टेक कर सकता हूँ। नाइट को वहाँ से मैं हटा नहीं सकता हूँ, क्योंकि नाइट को अगर हटाऊँगा तो वो चेकमेट जैसा एक थ्रेट बनता है, अदरवाइज आई विल लूज़ माई नाइट। मैं क्वीन को पीछे लाऊंगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये इस बिशप को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि मेरा नाइट हटेगा और एक मूव में चेकमेट है। अब वो नाइट को पीछे लेना चाहेंगे या कुछ और करेंगे, उन्होंने रुक से पॉन को लिया, मुझे भी ये करना है। मैंने रुक को लिया, आफ्टर रुक उन्होंने नाइट को एक्सचेंज में लाया, मैंने बिशप को, तो अभी देखिए अभी बिकॉज ऑफ दैट हैंगिंग बिशप आई एम वन बिशॉप अप और वन पीस अप एंड वन पॉन ऑल्सो आई एम अप। मुझे यहाँ पे लगा कि मैंने मिस्टेक किया, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि अगर वहाँ दूंगा तो अभी रिस्क लेना मैं नहीं चाहा। मैं पॉन इजली ले सकता था लेकिन मैं नहीं लिया, वो मिस हुआ क्योंकि मैं डिफेंड में आ गया। बिकॉज ब्लिट्स में ऐसा होता है, आप जल्दी चलना चाहते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं, और आप एक दो मूव ऐसा चल देते हैं जो कि अच्छी मूव नहीं होती, क्योंकि टाइम प्रेशर रहता है और आपको सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से अटैक करना चाह रहे हैं। अभी मैं क्वीन को वहाँ से नहीं हटाऊँगा तो, या स्पेस क्लियर नहीं करूँगा रुक का, तो मेरा क्वीन जा सकता है वो चेकमेट, इसलिए मुझे वो बिशप हटाना पड़ा। क्योंकि जब अटैक में आप आगे जाते हैं तो आपको देखना भी पड़ता है कि आपके जो पीसेस है वो सेफ हैं और कहीं से अब्रप्ट चेक तो नहीं पड़ रहा है, वो सब आपको देखना है। इसलिए डिफेंस को देखते हुए आपको अटैक में जाना चाहिए। अब दो में से एक पॉन को मैं डिफेंड करना चाह रहा हूँ, एक पॉन तो उनका कट ही रहा है, वो तो मैं काट लूँगा, तो एक पॉन यहाँ पर चला गया बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर और ब्लिट्स प्रेशर।
देखना है कि ओपोनेंट क्या करते हैं। अभी 1 मिनट 45 सेकंड का टाइम है उनके पास, वो सोच रहे हैं। मेरे पास 2 मिनट है समय। उन्होंने रुक को चला, ये तो अच्छी चाल थी उनकी। वो बिशप लेंगे, मैं बिशप को काटूंगा तो वो फिर मेरा रुक ले लेंगे, तो आई विल बी अ पीस डाउन हियर, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए मैं ना रुक को सेफ जगह रखूंगा ताकि एक्सचेंज ना हो, और जो पीस जा रहा है उसको तो नहीं बचा पाऊंगा, उसको जाने देता हूँ। बिशप को हटाऊंगा पॉन के लिए तो मेरा रुक सीधे चला जाएगा, उसको नहीं बचा पाऊंगा, और फिर क्वीन भी जा सकता है। इसलिए मैं रुक को क्लियर फाइल में रखा, क्योंकि मेरा जो एम है वो पॉन को किल करने का है। आई विल टेक द पॉन इवन दो माई ओपोनेंट इज टेकिंग अ पॉन। अभी मेरा रुक जो है वो हैंगिंग है और ये डेंजरस है। रुक को ऊपर रखूंगा तो ओपोनेंट बिशप काटेंगे और मैं फिर क्वीन ले सकता हूँ। वो भी एक अच्छा सोच था, लेकिन फिर चेक पड़ने का चांस है, इसलिए मैं वो नहीं चला। मैं रुक को वापस ले आया ताकि वो सेफ सेफ जगह में रहे और किंग को भी सेफ रखे। देखते हैं अपोनेंट क्या चलते हैं। क्योंकि तो ब्लिट्स ऐसा ही गेम है और इसमें ऐसा होता ही है कि टाइम प्रेशर बढ़ने लगता है, तो आप बहुत डेप्थ तक सोचते नहीं हैं, और जो मूव आपको क्विक समझ में आता है आप वो चलते हैं। तो अपोनेंट सोच रहे हैं और कि वो कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि चेकमेट का थ्रेट तो मैं नलीफाई कर दिया हूँ। चेकमेट का थ्रेट अब मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे रुक को मैंने डिफेंस में ले आया है और क्वीन को मैं अब ओपन करूँगा अटैक के लिए। ट्वेंटी सेकेंड और है मेरे ओपोनेंट के पास। ये गेम जो है 5 मिनट का है विद 5 सेकेंड इंक्रीमेंट, सो ज़्यादा टाइम नहीं रहता है सोचने का। क्लॉक इज टिकिंग एंड जस्ट 5 सेकेंड लेफ्ट। उन्होंने डिफेंड किया पॉन को, तो मेरे पास ऑप्शन है बिशॉप से पॉन को टेक करने का। ने वो ठीक समझा, उन्होंने क्वीन से मेरा एक पॉन लिया। अभी मुझे वो बिशप को फिर से प्रोटेक्ट करना है। टाइम प्रेशर है, मेरे पास भी 47 सेकेंड्स हैं। मैं वापस लिया। अब मैं कुछ अटैक बना सकता हूँ, लेकिन एक पॉन जाने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ पॉन जाने दूँ या पॉन को सेव करूँ। मुझे लगा कि पॉन को अगर सेव करता हूँ तो मैं डायरेक्ट उसे ए फाइल पर पुश करके क्वीन बना सकता हूँ अटैक के लिए, तो उनका रुक है तो अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे। तो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन अच्छा दिखता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप वो करना चाहते हैं, तो टाइम को देखते हुए मैं सोचा कि चलो एक पॉन को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अब बढ़ा सकता हूँ पॉन को। या क्वीन को थ्रेट दे सकता हूँ, दोनों मूव है मेरे पास। अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि चेकमेट का थ्रेट बिल्कुल ही नहीं रहता फिर, क्योंकि एक रुक को लेकर आप क्विक चेकमेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक्सचेंज हो। मैं रुक को क्लियर किया ताकि वो पॉन को मैं टेक ओवर कर सकूँ। अभी
अगर पॉन हटाते हैं तो मुझे क्वीन मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मुझे ये क्वीन B7 पर रखना चाहिए था ताकि क्वीन टू क्वीन एक्सचेंज हो सके, लेकिन मैं सोचा कि अगर बिशॉप से दूं तो एटलीस्ट बिशॉप देके क्वीन मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने सपोर्ट दिया, लेकिन उन्होंने देख लिया था। तो अब क्वीन टू क्वीन एक्सचेंज में मैं आना चाह रहा हूँ और वैसा हुआ, और अब मेरे पास चेकमेट का थ्रेट नहीं है, सिर्फ जो बढ़ते हुए पॉन है उसको रोकना है और अपना पॉन को ऊपर तक पूरा ले जाना है। तो एंड गेम में यही रहता है, आपके पास जो पीसेस से कम होते हैं लेकिन उनके मूव्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि आप कहाँ रख रहे हैं, या फिर कहीं गलती से भी तो आप कहीं किसी रॉन्ग स्क्वायर में नहीं रख रहे हैं। तब यहाँ पे मुझे एक पॉन का बेनिफिट था, तो मैंने ओपन करना, कुछ उसमें मुझे नुकसान नहीं था। तो मैंने वैसा किया, अब ये जो पॉन है अब मेरे पार्टनर उन्हें सेव नहीं कर सकते हैं। या तो इमीडिएट मुझे मिल जाएगा या फिर 2-3 मूव के बाद वो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं चेक दूंगा और उनका रुक टू रुक एक्सचेंज हो जाएगा और फिर मैं बिशप को वापस ले आऊँगा ताकि उसका पॉन को मुझे लेने में दिक्कत ना हो। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, अब बोरा किंग लेकर आ रहे हैं, उनके राजा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे तो ये पॉन चाहिए, तो बिकॉज जस्ट लास्ट स्क्वायर में है तो मैं उनका किंग को अलग करने का ये मूव दे रहा हूँ कि उनका किंग अलग हो, ताकि मैं लेफ्ट साइड के पॉन को क्वीन विन कर सकूँ। वो आ गए हैं, तो वही मैं चाह रहा था, लेकिन ठीक है। उन्होंने रिजाइन कर दिया। दोस्तों कैसे लगी ये मैच? प्लीज सब्सक्राइब। जो मूव और अच्छा हो सकता था एक गेम में कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स।